जय माता दी। मित्रों, मैं आज भगवती बगलामुखी माता की एक उग्र साधना दूंगा। बहुत शक्तिशाली और अति प्रभावशाली साधना है बगलामुखी माता की माला मंत्र। इसी माला मंत्र के पाठ से बड़ी विपत्ति दूर हो जाती है। भयंकर से भयंकर गृह दोष हो, ग्रह दोष हो, कुंडली में काल सर्प दोष हो या पितृ दोष हो, किसी भी प्रकार का परेशानी हो, जब कहीं पे कोई उपाय नहीं मिलता है, तब इसी साधना को आप करेंगे तो ये देखेंगे भयंकर अति प्रभावशाली रिजल्ट होता है। ये जो उग्र साधना है, उग्र साधना के वजह से इसको घर में नहीं करना है। इसको स्मशान में, एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में इसी साधना को करना है। साधना कैसे, मंत्र कैसे करना है, इसको मंत्र एक बार देख सुन लीजिए। मंत्र में धीरे धीरे बोलूंगा, आप मंत्र को एक बार लिख लीजिए। ओम नमो भगवती, ओम नमो वीर प्रताप विजय भगवती बगलामुखी, मम सर्व निंदकानां सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय स्तंभय, ब्राह्मीं मुद्रय मुद्रय, बुद्धिं विनाशय विनाशय, अपर बुद्धिं कुरु कुरु, आत्मविरोधिनां शत्रूणां शिरो ललाट मुख नेत्र कर्ण नासिकोरु पद अणुरेणु दंतोस्त जीवतालु गुह्य गुद कटिजानु सर्वांगेषु केशादि पाद पर्यन्तं पादादि केश पर्यन्तं स्तंभय स्तंभय, खेम खीम मारय मारय, परमंत्र परयंत्र परतंत्राणि छेदय छेदय, आत्म मंत्र यंत्र तंत्राणि रक्ष रक्ष, सर्वग्रहम निवारय निवारय, व्याधिम विनाशय विनाशय, दुःखम हर हर, दारिद्रम निवारय निवारय, सर्वमंत्र स्वरूपिणी सर्वतंत्र स्वरूपिणी सर्वशिल्प प्रयोग स्वरूपिणी सर्वतत्व स्वरूपिणी, दुष्ट ग्रह भूत ग्रह आकाश ग्रह पाषाण ग्रह सर्व चांडाल ग्रह, यक्ष किन्नर किम पुरुष ग्रह, भूत प्रेत पिशाचानां साकिनी डाकिनी ग्रहाणां पूर्व दिशां बंधय बंधय, वार्ताली माम रक्ष रक्ष, दक्षिण दिशां बंधय बंधय, किरात वार्ताली माम रक्ष रक्ष, पश्चिम दिशां बंधय बंधय, स्वप्न वार्ताली माम रक्ष रक्ष, उत्तर दिशां बंधय बंधय, काली माम रक्ष रक्ष, ऊर्ध दिशां बंधय बंधय, उग्र काली माम रक्ष रक्ष, पाताल दिशां बंधय बंधय, बगला परमेश्वरी माम रक्ष रक्ष, सकल रोगान विनाशय विनाशय, सर्व शत्रुन पलायनाय, पंचजोजन मध्ये राजजन स्त्री बसतां कुरु कुरु, शत्रुन दह दह पच पच, स्तंभय स्तंभय, मोहय मोहय, आकर्षय आकर्षय, मम शत्रुन उच्चाटय उच्चाटय, हुम फट स्वाहा। इसी यही है पूरा मंत्र, लिख लीजिए एक बार, इसको याद कर लीजिए। इसको करना है जैसे पहले जैसे साधना बताया गया है, पीली रंग के वस्त्र होना चाहिए, पीली आसन होना चाहिए, जिस समय आप करेंगे आचमन इत्यादि, जैसे पहले साधना बताया गया है इसी प्रकार इसी को करना है। और इसी में मंत्र करने से पहले गणेश जी का जप 11 बार कर लीजिए, उसके बाद भैरव का ध्यान करके उनसे परमिशन ले लीजिए। खाली एक बार प्रार्थना करना है कि मैं भगवती बगलामुखी माता की यही उग्र साधना कर रहा हूँ, मेरा फलीभूत हो, बस यही साधना करना है। उसी के बाद इसी को चालू करना है। ये एक पाठ है, ये भी एक संपूर्ण एक मंत्र है, अति प्रभावशाली मंत्र है, माला मंत्र है। जहाँ शत्रु लिखा हुआ है, जब आप प्रयोग करेंगे, जहाँ मम शत्रुन जहाँ लिखा हुआ है, शत्रु के स्थान में
आप जिसी का ऊपर प्रयोग करना चाहते हैं उसी का नाम उसी स्थान में उच्चारण करके लेके आप इसी को प्रयोग करेंगे अति प्रभावशाली। हम तो इसी साधना को बहुत बार प्रयोग किया है, जितना बार प्रयोग किया गया है ये पूरा 95% रिजल्ट देता है। और इसके बाद जब मंत्र साधना कर लेंगे उसके बाद महामृत्युंजय का एक माला जप करना है और इसी को 51 माला या 108 माला अनुष्ठान करना चाहिए। जो लोग कुछ विशेष प्रकार का साधना सीखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का साधना करना चाहते हैं, या कोई भी कंसल्टेंसी, एस्ट्रो कंसल्टेंसी हो, वास्तु कंसल्टेंसी, या तंत्र साधना सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, हमसे हमारा साइट में जा सकते हैं। वेबसाइट में वेबसाइट है www.geetanath.com या व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8260548191। आज के लिए इतना ही।